नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा की एक और पोशाक, जो कि सुई और धागे से बनाएंगे। मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे हम, बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये पोशाक बनाने के लिए हमें स्क्वायर कपड़ा लेना है। 5 इंच का स्क्वायर कपड़ा होना चाहिए दोनों साइड से, और हमें ये 5 पीसेस लेने हैं। और हम सारे पीसेस को बराबर करके ही लेंगे, और एक एक पीस को हम ऐसे फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में, 1 फोल्ड एंड ये 2 फोल्ड, और जो भी एक्स्ट्रा अगर किसी में आपको निकलता है तो वो हम कैंची से काट कर अलग कर देंगे। वो फिर सिलाई में दिक्कत करेगा, क्योंकि हमें इक्वल चाहिए चारों जो लेयर है। तो हम सुई से चारों लेयर में धागा फंसाते हुए थोड़ा लंबे लंबे सिलाई लगा देंगे। ये हमने लंबी लंबी सिलाई लगा दी है, दूसरे कॉर्नर तक निकाल के सुई हमें ऐसे धागा खींच के एक लीफ का शेप बना देना है। तो ये लीफ का शेप बन गया है, और हम दूसरा भी पीस लेकर ऐसे ही करेंगे, 1 फोल्ड ट्रायंगल पे, और ये 2nd फोल्ड। अगर कहीं कपड़ा इक्वल नहीं है तो हम कैंची से इक्वल कर लेंगे, और फिर से हम ओपन साइड से ये हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना, और फिर लास्ट तक हम फिर लगा देंगे, और फिर धागे को खींच के दोनों लीव्स को हम पास पास कर देंगे। हमें इसमें ऐसे खींचना है कि इसमें चुन्नट पड़ जाए। इस तरह हमने 5 लीव्स को एक साथ जॉइंट कर लिया है एक ही धागे में, और जो आगे का पार्ट है वो हमें सिलना नहीं है। ये हम एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि कान्हा की कमर का जो भी शेप आपका हो उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो ये अब हम 2 पीस लेंगे ऊपर के लिए। तो ऊपर के लिए ये मैंने 4 इंच का लंबाई और ये 2 इंच की चौड़ाई में ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं। इनको हम ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे हाथ से, या सिलाई मशीन से भी आप कर सकते हैं, पर हम पूरा प्रोसेस हाथ से कर रहे हैं। ये हमने दोनों उसमें सिलाई लगा दी है दोनों साइड से, जिससे कि रेशे भी नहीं निकलेंगे और ये अच्छा लगेगा देखने में। अब हमें कमर वाला जो पार्ट है उसको भी लॉक करना है। तो उसके लिए हमें कपड़ा एक लेना है उसी नाप का, लंबाई में हमें एक पाइपिंग जैसा कट कर लेना है, और हम उसको बैक साइड से रखते हुए, ये हमने बैक साइड से रखा, और उसको जो है सिल लेंगे। और फिर हम फ्रंट साइड में ला के कपड़े को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ उसको हम फिर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। ये हमने देखिए पूरे में सिलाई कर ली है। अब देखिए गोल ये शेप अच्छे से आ गया है। अब हम ये ऊपर वाला पार्ट जोड़ेंगे। इसमें मैंने लेस लगा दी है, इसको मैंने ग्लूगन से चिपका दी, आप सुई से भी सिल सकते हैं। तो अब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, एक साइड का पार्ट रखेंगे एक दूसरे के थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, इसको हम थोड़ा सा 1.25 इंच के लगभग सिल लेंगे। थोड़ा तिरछा रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको हम सिल लेंगे, और नीचे ले जाके हम फिर नॉट लगा देंगे। ये ऐसे हम नीचे से निकाल के इसको सिलते हैं, और फिर इसको हम नीचे लॉक कर देंगे। ये देखिए ऐसे मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसका बीच का जो हिस्सा है, हमारी जो स्कर्ट है, वहाँ पर मार्क कर लेंगे, यानी कि 5वीं जो हमारी लीफ है उसका मिडिल वाला पार्ट पे हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। फिर हम ये ऊपर वाला पार्ट इधर हमने ज्वाइंट किया है दोनों पार्ट को, वो हम बीचों बीच रखेंगे, और ऐसे हम यहाँ पर सिल लेंगे। ये देखिए इसको मैंने ऐसे रख कर सिल लिया है। अब हम ये जो एक पार्ट लेंगे जो कि फ्रंट में रहेगा, पट्टी का एक पार्ट लेंगे, और इसको हम जैसे हमने आगे वाला सिला था वैसे ही हम इसको भी सिल लेंगे, और दूसरे साइड भी हम ऐसे ही रख कर सिल लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। तो ये देखिए हम ऐसे जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर हम पिन अप करके कान्हा जी को ये पहना देंगे। इसमें आप और भी जो डेकोरेशन करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें जो ब्लाउज़ की डोरी आती है वो ग्लूगन से लगा दी है। ये लगाने में बहुत आसान है, आप चाहें तो इसमें पतली सी कोई लेस या मोतियों से इसको आप सजा सकते हैं।
मैं ऐसे ही ग्लू गन लगा के इसको लेस को, ये जो पतली सी हमारी है डोरी है ब्लाउज की गोल्डन, तो वो हम चिपका देंगे। इसी तरह आप इसमें मोतियाँ भी चिपका सकते हैं, ग्लू गन लगाते जाइए और मोतियाँ चिपका दीजिए। ये देखिए ये मैंने फाइनल कर लिया है, ये बढ़िया सी काना की ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। है ना बनाने में कितना आसान, और ये फटाफट से 10 से 12 मिनट में आपकी बन जाती है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप भी इसको बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।